हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि एम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, इन सभी के लिए एम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी अभी तक तैयारी नहीं करे हैं वो भी अब तैयारी के लिए जुट जाएं। लगातार मेहनत के साथ आपको एम्स में सीट हासिल करनी है तो उसके लिए टीम जेएनसी तैयार है और उसके साथ आप भी लग जाएं। अब यहाँ इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि एम्स के फॉर्म की डेट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो तैयार रहें और मेहनत के साथ जुड़ जाएं। आज से ही जिन्होंने अभी तक मेहनत नहीं की है वो भी इस तैयारी के साथ जुड़ जाएं। लगातार मेहनत के साथ आपको एम्स की सीट हासिल करनी है। तो इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे एडमिशन नोटिस जो अपने एम्स ने जारी किया है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, उसके साथ साथ एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फॉर सेशन अगस्त 2023 एट एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स, सभी एम्स में जो भी कोर्सेज अवेलेबल है उन सभी के लिए नोटिफिकेशन यहां रिलीज हो चुका है। एम्स दिल्ली के लिए स्पेशली पोस्ट बेसिक का है और बाकी सभी एम्स में जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है उन सभी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले देखिए नेम ऑफ कोर्स, जो कोर्सेज अभी अपने पास अवेलेबल है एम्स में, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक, पैरामेडिकल कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखें आगे इसके बाद एकेडमिक कंट्रोल किसके पास रहेगा, तो जो एकेडमिक कंट्रोल है वो एम्स के अंडर में है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज, जो भी अपने पास कोर्सेज अवेलेबल है उनमें से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए 4 इयर्स सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। तो 4 इयर्स होने का मतलब आपके 8 सेमेस्टर हो गए, 8 सेमेस्टर का यहाँ कोर्स है, टाइम ड्यूरेशन है। वही बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए, एमएससी नर्सिंग और जो भी एमएससी कोर्सेज है बायोटेक्नोलॉजी है उन सभी के लिए 2 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 4 सेमेस्टर है, 1 ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आपके पास टाइम पीरियड होगा 4 साल का जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे। वही अगर हम एमएससी की बात करें या पोस्ट बेसिक की बात करें तो वो 2 इयर्स लॉन्ग कोर्स है, यानी कि उसमें 4 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं। ओके, देन बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि नंबर ऑफ सीट्स इन एम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेशन, जो लास्ट सेशन में नंबर ऑफ सीट्स थी, हो सकता है कि कुछ वैल्यू उसमें वेरी करे लेकिन अप्रोक्स नंबर ऑफ सीट्स हर किसी एम्स में वही है। जैसे अगर हम बात करें एम्स न्यू दिल्ली की, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, देवगढ़, बठिंडा, नागपुर, कल्याणी, गोरखपुर, मंगलागिरी एंड बिलासपुर, जितने भी एम्स है ये सपना है एम्स का, जो आपका सपना सच होने वाला है इन एम्स में। लगभग यहाँ पे हर एम्स में नंबर ऑफ सीट्स 100 है, 100 सीट है, वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। और सीट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक आर अवेलेबल एट एम्स न्यू दिल्ली ओनली, जो मैंने कहा कि एम्स न्यू दिल्ली में ही ओनली पोस्ट बेसिक है, बाकी सभी में नहीं है। ओके, तो जो अपने पास इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ सीट्स के लिए, जिनके लिए आप फाइट करने वाले हैं, जो आपका कंपटीशन है, हर एक एम्स में आपके पास नंबर ऑफ सीट्स 100 अवेलेबल है, ध्यान रखना। अब इन सभी के लिए तैयारी अगर आप करना चाहते हैं टीम जेएनसी के साथ, क्योंकि देखें सपने को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जैसा कहा जाता है कि अगर 20 से 25 साल की उम्र में आपको नींद सोने नहीं दे रही है, आपके सपने सोने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, आपके सपने जिंदा हैं। लेकिन अगर आप इस उम्र में चैन की नींद सो रहे हैं तो इसका मतलब आप जिंदा क्यों हैं। तो अपने सपनों को जिंदा रखें, सिर्फ जिंदा होना ही
सरल नहीं है, यहाँ सपनों का जिंदा होना जरूरी है। इस जिंदगी में सपनों का भी जिंदा होना जरूरी है। तो जो अभी एज है जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं लगातार अपने सपने को हासिल करने के लिए 24/7 365 डेज, हमेशा अपने को उसी मोड पर रहना है कि अपने ड्रीम के लिए जीना है, अपने सपने के लिए जीना है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन कोर्स का भी, ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है अपने पास, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो जेआईएनसी की ऐप पे आप जा सकते हैं। जेआईएनसी जोधपुर का अपना खुद का ऐप है, वहां से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हो, कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके फॉर्म से रिलेटेड हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप जेआईएनसी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जो रिकॉर्डेड कोर्स है जेआईएनसी का, जो अपनी परमानेंट फैकल्टीज, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा कोर्स रिकॉर्ड किया गया है, वो यहाँ अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन कोर्स भी जेआईएनसी जोधपुर के नाम से ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपके पास एक हेल्पिंग टूल है जेआईएनसी की तरफ से। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस है अपने पास इसमें एम्स के लिए रजिस्ट्रेशन का, वो 3 स्टेप्स में है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, बाकी सभी के लिए सिंगल स्टेप होता है, आप ई मित्र पे गए, फॉर्म फिल किया, बस फ्री हो गए, लेकिन यहाँ 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन है। कंप्लीट फॉर्म जो है वो 3 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखें, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ध्यान रखना, जो पार्क नाम से है। डेट ऑफ स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वो अपने पास 15 फेब है, वही लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो 16 मार्च है। 15 फेब से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 15 फरवरी से, और लास्ट डेट उसकी 16 मार्च है। ध्यान रखना, 1 महीने का आपके पास ड्यूरेशन है फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन आपको टाइम एक्सपांड नहीं करना है, पहले समय रहते हुए अपने को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, 16 मार्च आपकी लास्ट डेट है। जो भी शाम के 5 बजे तक है, ध्यान रखना शाम के 5 बजे तक समय है, रात के 12 बजे का इंतजार मत करना, शाम के 5 बजे तक लास्ट टाइम है इसका। तो ये अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए डेट है 15 फेब टू 16 मार्च, और एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है, ध्यान रखना। फिर देखें, जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी कोर्सेज, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कोड जनरेट होगा, जो सेकंड स्टेप है, जो मैंने कहा 3 स्टेप्स में फॉर्म फिल होगा, सेकंड स्टेप जो आपका रहेगा वो है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, उसकी डेट स्टार्ट होगी 1 मार्च से, 1 मार्च 2023, और उसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 22nd of March 2023। टाइम वही है 5 PM, ध्यान रखना। तो ये आपके पास टाइम ध्यान रखना है, जो शाम के 5 बजे का मैंने कहा लास्ट टाइम ड्यूरेशन है, इसकी डेट ध्यान रख लेना, 1 मार्च से स्टार्ट है। जो कोड रजिस्ट्रेशन के लिए होगा वो बहुत ही जरूरी है, तभी आप फी पे कर पाएंगे, अदरवाइज आप फी पे नहीं कर पाएंगे, ध्यान रख लेना। ये सेकेंड स्टेप आपको मस्ट है, और वो भी टाइमली। फिर देखें, इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस, तो ये सारी चीजें हैं, आपका पेमेंट और आपकी सिटी चॉइस, उसकी भी डेट स्टार्ट होगी 1 मार्च को, और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 22nd मार्च, 22 मार्च को। ये दोनों डेट सेम चलेंगे, जो जनरेशन ऑफ कोड है आपका, जो कोड जनरेट करना है सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप जो आपका है पेमेंट वाला, पेमेंट ऑफ फीस जो है वो आपका 1 मार्च से 22nd of March तक चलेगा। तो ये 3 स्टेप्स में आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा, ध्यान रखना। पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर सेकंड जनरेशन ऑफ कोड, एंड लास्ट थर्ड स्टेप फी पेमेंट। ओके, तो ये आपका एम्स का फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद अब तैयारी भी तो करनी है, बिना तैयारी के काम नहीं होगा, फॉर्म भर के रिलैक्स होके नहीं सोना है। ऐसा नहीं कि बस फॉर्म फिल कर दिया अब तो हम एम्स में चले जाएंगे, सपने नहीं देखने हैं, सपने खुली आंखों से देखने हैं, नींद में सपने नहीं देखने हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है, इसके बाद आगे नेक्स्ट हम कहें, जो अपने पास जो ऑप्शन रहेगा वो आपके पास है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी कोर्सेज। अब आप
अगर एमएससी के लिए जा रहे हैं, पीजी के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास जो फाइनल कोड जनरेट होगा उसकी भी अपने पास डेट ध्यान रखनी है, वो आपके लिए डेट रहेगी ध्यान रखना। इसकी जो डेट्स है 3rd of March, स्टार्ट डेट जो है 3rd of March 2023, और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 22nd of March 2023। ध्यान रखना एमएससी के लिए, पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी भी डेट आपको ध्यान रखनी है। जो पीजी के लिए जाना चाह रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए डेट है 3rd मार्च से 3 मार्च से 22 मार्च, 22nd of March। ओके, ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस, वो स्टार्ट डेट 3rd मार्च से 24th मार्च, जो क्लोजिंग डेट है वो 24th मार्च। ओके, ये पीजी के लिए है। जो यूजी के लिए और पीजी के लिए दोनों के अलग अलग स्लॉट दे रखे हैं। जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं, जो कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग डेट्स आपको दे रखी है। ओके, देन चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब ध्यान रखें टीम जेएनसी के बारे में। जैसा आप जानते होंगे सभी, नॉर्थ सेट के लिए पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आज विश्वास करती है। जो ट्रस्ट है, जो एक ब्रांड वैल्यू है, वो आपके स्टूडेंट्स के, सभी नर्सिंग ऑफिसर के प्यार और आपके ट्रस्ट की वजह से ऐसा हुआ है। जब भी नर्सिंग ऑफिसर की बात आती है, किसी भी एम्स में जाते हैं, तो अगर वो कहते हैं कि हम जेएनसी से पढ़े हैं, तो ये हमें, हमारे दिल को बड़ी तसल्ली देता है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और जो भी दूसरी कंट्री से भी कॉल आते हैं कि सर हम आपके नर्सिंग का कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, परचेज करना चाहते हैं, प्रोसेस पूछते हैं, तब लगता है कि जो काम जेएनसी कर रही है वो वाकई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए सभी को सैल्यूट है जेएनसी के प्रति इतना प्यार दर्शाने के लिए। टीम जेएनसी ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया, जो अभी सेकंड ईयर है, क्लास 11th 12th के साथ नीट जेई फाउंडेशन प्रिपरेशन। यानी कि आपके पास जेएनसी में अब 11th क्लास से ही फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हॉस्टल प्लस स्कूल प्लस कोचिंग, सारी फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। ये जेएनसी का सपना है कि हम यहाँ से फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ फ्यूचर डॉक्टर्स भी तैयार करके भेजें, यहाँ से जोधपुर की धरती से पूरे इंडिया में हम सर्व कर पाए, ये हमारा सपना है। तो उसके लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं टीम जेएनसी को, तो 11th 12th के साथ साथ नीट जेई के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, या आपके जो भी मिलने वाले हैं आप उनको ये रेफर कर सकते हैं। उसमें स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज। जो जेएनसी गुरुकुल, ये वाकई एक गुरुकुल है जहां भारत का भविष्य तैयार होता है, और उसी मेहनत के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ पूरी टीम जेएनसी तैयार है। ओके, तो याद रखना 11th 12th के साथ साथ नीट जेई के सेगमेंट में भी आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद अपने जो इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम कहें एम्स रिलेटेड, तो एप्लीकेशन फीस क्या होगी, जो फॉर्म की एप्लीकेशन फीस होगी वो 1500 फॉर यूआर एंड ओबीसी, जो जनरल कैटेगरी के लिए है और ओबीसी के लिए है वो 1500 रुपीज़ है। वही अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो उनके लिए 1200 पर कैंडिडेट फीस रखी गई है। वही अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, कोई फीस उनके लिए नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए, डिसेबिलिटीज के लिए कोई फीस पे नहीं करनी है। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन है, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। वही ऑप्शन, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, emsexam.com पे आप विजिट कर सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं, वहीं से आप अपनी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फीस के लिए जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो सभी के लिए अलग अलग है। वही आगे हम देखें तो इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है उसमें मिनिमम एज आपको ध्यान रखनी है 17 ईयर्स। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 17 ईयर्स है। मोस्टली कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो 10+2 कर लेते हैं, लेकिन एज 17 नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना, जिनकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो गई है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं।
वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10+2 विद पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने 12th में ऑप्ट किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होना कंपलसरी है। ओके, देन डेट ऑफ जनरेशन ऑफ हॉल टिकट्स टू बी नोटिफाइड, जो आपका हॉल टिकट होगा वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जब जारी किया जाएगा तो एम्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा, एडमिशन प्रोसेस जो आपका है उसमें रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो रिटर्न आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो एम्स का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, उसी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम जब होगा उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा, ध्यान रखना। और जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है वो भी अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, टू बी नोटिफाइड, ये आपको बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मई और जून में एग्जाम होते हैं, मई जून में एम्स के एग्जाम होते हैं, तो तब तक तैयारी करनी, अभी फेब चल रहा है, जो अगला टाइम पीरियड आपके पास है मई जून का, उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, एम्स का सपना पूरा करना है टीम जेएनसी के साथ। ओके, फिर अपने पास इस सपने को पूरा करने के सारे हथियार मौजूद है, पूरी प्लानिंग के साथ टीम जेएनसी तैयार है कि जो जेएनसी है उनको एम्स में पहुंचाना है, पहले कोर्स के लिए और फिर नर्सिंग ऑफिसर बना के भेजना है, तो उसके लिए यहीं से तैयारी है, यहीं से पहले ही हमें एम्स से कोर्स करने के बाद फिर एम्स में सर्व करना है। तो इसके लिए पूरी प्रिपरेशन, पूरी प्लानिंग के साथ ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जो मैंने आपको कहा जेएनसी जोधपुर के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो जेएनसी जोधपुर के नाम से आपको मोबाइल में ऐप मिलेगी, और ये हमारे प्रिय अशोक ढागा सर ये आपको दिख जाएंगे, ये आपको वहां नजर आएंगे, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे सारे कोर्सेज की, कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका एम्स का कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, एम्स का ऑफलाइन बैच अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, जो एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी कुछ भी समय बर्बाद किए आपको जेएनसी आ जाना है, कोई समय बर्बाद नहीं करना, सीधा ट्रेन का टिकट लेना है, अपना बैग उठाना है और जोधपुर जेएनसी पधारना है, तो उसके लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। फिर अगर डेली लाइव क्लास की हम बात करें, आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ डेली लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होगी, रोजाना शाम को 7:15 पे, रोजाना शाम को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपको क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लाइव मिलेगी, जो अपना जेएनसी का नीट जेई के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको पता रहे कि कितने बजे कब कौन सी क्लास होने वाली है। कई बार जैसे बड़ी क्लासेज होती है, मेगा क्लासेज, तो दोपहर में भी होती है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सारे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव क्लासेज, तो इनमें से जो आपको बेस्ट लगे, जो सुटेबल लगे, आप प्रिपरेशन करें, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। ओके, पधारें यहाँ जेएनसी और अपने सपने को पूरा करें। इसके साथ ही ध्यान रहे कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो आरयूएचएस को ऑप्ट करने वाले हैं, जो आरयूएचएस का एग्जाम देने वाले हैं, उनका ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए जो ऑफलाइन बैच है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट है, आरयूएचएस का जो बैच है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, डेट नोट कर लेना, जो आरयूएचएस फाइट करने वाले हैं 9 अप्रैल से आपका आरयूएचएस का बैच स्टार्ट होने वाला, ध्यान रखना, उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आरयूएचएस का, एम्स का, एमएनएस का, आरपीवीटी जो फाइट करने वाले हैं उन सभी को मौका मिलेगा। ओके, तो इसके लिए भी तैयार है, डेट ध्यान रखना 9 अप्रैल से, तो जो एम्स के लिए फाइट करने वाले हैं वो बिना विलंब के जेएनसी पधारें, और जो आरयूएचएस फाइट करने वाले हैं उनके लिए 9 अप्रैल डेट अपने माइंड में अलार्म की तरह सेट कर लें। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपका जो ड्रीम, आपका जो सपना है एम्स में एडमिशन लेने का,
उसके लिए टीम जेएनसी आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव हर तरीके से तैयार है। बेस्ट ऑफ लक।